भागलपुर जिले के घोघा पक्कीसराय में प्यार का अनोखा मामला सामने आया है, जिसके इलाके में चहुं ओर चर्चा हो रही है। दरअसल घोघा थाना क्षेत्र के पक्कीसराय स्थित मायके में रह रही एक बच्ची की मां को अपने ही गांव के एक युवक से बेशुमार मोहब्बत हो गई। धीरे धीरे ये प्यार परवान चढ़ता गया, नतीजा ये हुआ कि दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक बच्ची की मां ने परदेश में रह रहे अपने पति को फोन कर हर बात की जानकारी से उन्हें वाकिफ कराया और प्रेमी से होने की बात भी कही। इसके बाद पति ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए फोन पर ही उसे सुखमय जीवन का आशीर्वाद, जी लो अपनी जिंदगी। इसके बाद दोनों देर रात पक्कीसराय मुख्य आवास पर पहुंचे और शादी का गवाह बनने और आशीर्वाद देने का उनसे आग्रह किया। इसके बाद पति से फोन कर शादी की इजाजत भी ली। पति ने भी फोन पर सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। इसके बाद शाहपुर शिव मंदिर परिसर में मंडित ने प्रेमी युगल की शादी कराई। इस मौके पर नई नवेली दुल्हन नीतू ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, उस पर किसी का कोई भी दबाव नहीं है। प्रेमी का कहना है कि जिएंगे तो नीतू के साथ और मरेंगे भी तो इसी नीतू के साथ। क्या नाम हुआ आपका? घर का हुआ? पक्कीसराय। पिताजी का नाम? नंदू दाते। कैसे शादी की है आप? हम दोनों अपनी मर्जी से शादी की है, किसी का दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं। कब से प्रेम प्रसंग था दोनों में? कम से कम डेढ़ साल से। डेढ़ साल से नहीं। अच्छा, आपको पता है ना एक बच्चा शादी में कौन कौन आया? आपके घर से कोई आया है क्या? मम्मी आए, मेरे पापा आए। चलिए ठीक है, अच्छा तरह से रखिएगा ना इसको। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमार। क्या नीतू, शादी से खुश है कि नहीं? पापा का नाम क्या है? अरे बच्चा का? लड़की है। क्या नाम है इसका? नैतिक राज। पुलिस जिला नगोचा के विक्रमशिला पहुंच पथ NH31 पर चलते स्कूली वैन में अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई। राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। चालक और उपचालक ने किसी तरह वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नवगछिया से स्कूली वैन बच्चों को लाने के लिए जा रही थी, तभी परवत्ता थाना क्षेत्र के गरैया गांव के समीप हादसे का शिकार हो गया। हालांकि वैन में आग कैसे लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में कोई हताहत की सूचना नहीं मिली है। घटना के बाद से पुलिस ने विक्रमशिला पहुंच पथ को दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। डायल 112 के ऑन ड्यूटी पदाधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, इसके बाद वे लोग मौके पर पहुंचे। वहीं मामले को लेकर स्कूल वैन चालक ने बताया कि अचानक वाहन से धुआं निकलने लगा, फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वो 112 डायल पर पब्लिक सूचना दिया है, तो आए हैं, देखे हैं कि आग लगी हुई है। क्या सूचना मिली? सूचना मिला कि एक गाड़ी में आग लग गया है, तो फायर ब्रिगेड के सूचना देते हुए आए, तो फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आ गई, बुताने का काम चल रहा है। भागलपुर में चौकीदार के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बेहोशी हालत में हाथ पैर बंधे हुए कटोरिया बहियार में मुख्य सड़क पर पुल के नीचे पड़ा हुआ है। वह अज्ञात व्यक्ति को इलाज हेतु अनुमंडलीय अस्पताल कहलगांव लाया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर लाया गया। इलाज के दौरान उक्त व्यक्ति के होश में आने के पश्चात उनके द्वारा बताया गया कि 15 मार्च की रात्रि में जहरीली वस्तु खिलाकर मारपीट कर इनको बेहोश कर इनका पिकअप वैन, मोबाइल फोन व 10,000 रुपये तथा गले में चांदी का लॉकेट अज्ञात अपराधियों द्वारा लूट लिया गया। उक्त सूचना के आलोक में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए घटना में संलिप्त 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ाए अभियुक्तों के पास से लुटा हुआ पिकअप वैन, अपराधी द्वारा
प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटे हुए 10,000 रुपये व अन्य 40,000 नगद रुपये व 5 मोबाइल बरामद किया गया है। दिनांक 15 मार्च को रात में पटना निवासी धीरज कुमार को नशीला पदार्थ खिलाकर तथा उनके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करके उनको बेहोश कर दिया गया था और बेहोशी के उपरांत उनका पिकअप 10,000 रुपया और उनका मोबाइल का लूट कर लिया गया था और इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें लूट किया गया पिकअप बरामद कर लिया गया है, 10,000 रुपया भी बरामद कर लिया गया है, उसके अलावा 40,000 और रुपया बरामद हुआ है जो अभी जिस पर जांच अभी किया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त एक बाइक और 5 मोबाइल भी सीज किया गया है और अब तक कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। कहाँ से गिरफ्तारी हुआ है सर? अलग अलग जगह से, कुछ घोघा से, कुछ नौगछिया से, अभियुक्त अलग अलग जगह के हैं और इनकी गिरफ्तारी अलग अलग जगह से की गई है। सोशल मीडिया पर हथियार लेकर फोटो पोस्ट करना, हथियार लहराना, हर्ष फायरिंग करना एक कानूनन अपराध है, लेकिन ऐसी घटना सोशल मीडिया पर अक्सर सामने आ ही जाती है। ऐसा ही मामला सोशल मीडिया के पोस्ट पर दिखा, जहां युवक अपने हाथ में हथियार लहराता हुआ फोटो पोस्ट करते हुए देखा गया। हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करना उक्त तो युवक को अब भारी पड़ गया है। उस युवक की पहचान अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी मकनपुर के रहने वाले रविंद्र यादव के पुत्र सुमन यादव उर्फ जय जय यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी SP राज ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि आर्म्स एक्ट में युवक 2019 में एक बार पहले भी जेल जा चुका है। हाँ, जो भागलपुर पुलिस लगातार आर्म्स रिकवरी के लिए जो कार्य कर रही है, उसी दिशा में एक और आज हम लोगों ने ये काम किया है, जिसमें अकबर नगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति सुमन यादव उर्फ जय जय यादव, पिता रविंद्र यादव, जो कि छिट मकनपुर का रहने वाला है, पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि इसके पास से अवैध हथियार है और इसको लेकर कार्रवाई की गई है। SDPO लॉ एंड ऑर्डर और के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष अकबर नगर और इनके अन्य जो कर्मी हैं, इनके द्वारा जो है ये कार्य किया गया है और सफलता प्राप्त की गई है। इसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी कट्टा और एक नली बंदूक भी बरामद किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास भी है, जो कि 2019 में आम सेट के ही से संबंधित रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और आर्म्स रिकवरी में हम लोग का जो ये कार्य चल रहा है उसमें एक अच्छी पहल है। ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को एक फोटो प्राप्त हुआ था, जिसमें ये हथियार के साथ इसका एक फोटो था। इसके लिए फिर इस सत्यापन किया गया और जो हम लोगों ने फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया है। पहले से एक मामला है जो आम सेट से संबंधित है 2019 में, जिसमें यह पूर्व में जेल भी जा चुका है। भागलपुर जिले के बात थाना क्षेत्र के कष्टीगरी गांव में 7 दिन पहले पति द्वारा अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को जहर खिलाकर जान से मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में मृतक महिला कंचन देवी की मां कमनी देवी एवं भाई भवेश कुमार, राजेश कुमार व सुल्तानगंज के रहने वाले मृतका के परिजन अरुण ठाकुर ने बताया कि बात थाना क्षेत्र के कष्टीगरी रिवाज के साथ वर्ष 2012 में उनके बेटे की शादी हुई थी, जिसमें कंचन देवी ने एक पुत्र एवं एक पुत्री को उसके बाद जन्म दिया था, जिसका पुत्र पीयूष कुमार जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, वहीं पुत्री पल्लवी कुमारी जिसकी उम्र 5 वर्ष है। हमारी बेटी के पति अजीत ठाकुर व इनके पिता प्रकाश ठाकुर व मां प्रमिला देवी, भाई अमित के द्वारा दहेज को लेकर घरेलू विवाद होने पर 11 मार्च को कंचन को हाथ पैर बांधकर मारपीट करते हुए उसे जहर खिलाकर मार दिया गया। यह सारी घटना कंचन की बेटी ने अपने आंखों देखा हाल पूरे परिवार को बताया। तब इस घटना की जानकारी थाने को देने पर बात थाने की पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर अजीत कुमार व प्रकाश ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बाकी परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस पूरे घटना को लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुट गई है। तुम्हें मम्मी को कौन मारा? वही सब मारा है? हाँ। क्या चीज से मारा है? छन्नी से,
और जहर भी खिलाया है? हाँ, कौन खिलाया है? दादी का कलर ले जाती। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हाँ, ये घटी क्या? हमारी जमाई साहब हमको 2:30 बजे करीब फोन किए, फोन में ये बताया कि हमारी सिस्टर का के साथ मारपीट किया जा रहा है, उनके ससुराल वाले सब मिल के मारपीट कर रहे हैं, स्थिति बहुत नाजुक है, आप जाइए उनके घर पे। जब हम वहाँ सुनते ही हम घर से बाहर निकल गए, हम और हमारी पत्नी। अब दोनों जब रास्ते में आए असरगंज के आसपास, तो इन्होंने बताया कि उनके घर पे नहीं जाना है, उसके गाँव वालों से पता चला है, मोबाइल में सुनने को आया है बातचीत के दरमियान में कि वो लोग तारापुर लेके चले गए हैं, आप तारापुर चले जाइए। हमने तारापुर पहुंचा, तारापुर पहुंच के जैसे हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं तो डॉक्टर नहीं कहती है या नर्स हो, वो लोग कहते हैं कि इनको जल्दी से लेके जाइए। पहले वो रेफर का चिट्ठा बना चुका था और हमारे जाते ही वो लड़की बोली कि हमको पापा सब मिलके मारा। कौन? सास ससुर, जेबरानी, गोतनी और हस्बैंड, चार आदमी मिलके हमको मारा, मारपीट किया और हमको जो है जहर हम खा लिए, खिला दिया गया है, घोर घोर के खिला दिया गया। तो हम बोले भाई प्रशासन को बुला लीजिए, बयान ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। बोला पहले जान बचाइए, बाद में ये सब करते रहिएगा। और उसी दरमियान में उसका सास ससुर, ड्राइवर, खलासी, जो भी हो गाड़ी का, जो भी हो, वहाँ पे दो चार आदमी था, उठा के एम्बुलेंस में डाल दिया। जब एम्बुलेंस खुलने पे हो गया तो हम भी को भी मजबूरी में उसी एम्बुलेंस में बैठना पड़ा और उसी एम्बुलेंस के साथ हम भी चले। कहाँ? मायागंज के लिए। मायागंज, चूँकि रेफर मायागंज किया था तो मायागंज जाना था। वहाँ क्या हुआ? मायागंज हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के तुरंत डॉक्टर के पास में ले जाया गया, वहाँ जो डॉक्टर बोला कि मर चुकी है तो भाई अब क्या करें, का ऐसे तो जाएगा नहीं, पोस्टमार्टम कराना होगा, पुलिस केस होगा। उसी दरमियान जो है हमने वहाँ के जो मायागंज हॉस्पिटल के अंदर पुलिस थाना है वहाँ पे इंफॉर्मेशन किए, वो बोला ठीक है अब हम खबर करते हैं थाना को, थाना से आदमी आएगा आपका लिख लेगा जो भी लिखना होगा। कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई होगी। फिर उसी टाइम में कुछ ही देर के बाद वहाँ से पुलिस आई और उसके सास ससुर को उठा के वो अपने साथ ले गए। क्या नाम हुआ आपका? रमी। कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मीनगर। क्या, किनके साथ घटना घटी है? बेटी के साथ। बेटी का क्या नाम है? कंचन देवी। कहाँ भी देश आदि? किसके यहाँ? प्रकाश ठाकुर। क्या घटना घटी है? घटना घटी सवेरे फोन किया बेटी। कब? सोमवार सवेरे 7-8 बजे फोन किया मम्मी। कितने तारीख का? 11 मार्च। क्या, हाँ क्या पता है? बेटी कम रात को बेटी बोले कि ओले बेटा खाने खाने से मम्मी पालंग साग तोड़ला से एक मुठ्ठी हो इसलिए सास मेरे घर गया रह से खाली घर गया थी बेटा 1 घंटा दम मार हम सब पहुँची रह से। फिर थोड़े देर बाद 11-12 बजे लगभग हम फोन कर रहे थे मम्मी हमारा सामने मिली मारे देखो को हाथ पानी देखो खाली बेटा भाग में घर से लेकर तो हमें जा रहा न मम्मी को बाहर के गेट लगा देखो घर हमारा बंद कर दे हाथ पानी दिल से सास को अपने हमारा जहर खिला दिल को इतने कही बेटी बंद। आपके बेटी का क्या गो बच्चे हैं? दो गो, एक लड़का एक लड़की, नौकरी हमारा पास रही है नतनी माय पास रही। तो नतनी कुछ बताई क्या? हाँ। क्या बताई? वही मम्मी का दादा चाची और दादी हाथ बांधी देखी हाथ बांध के दिखाई अब दो हाथ रसा लेकर ऐसे ऐसे मम्मी बांध देखी छाप के यहाँ छोलने लग दागी देखी यहाँ दाग से अस्तन में हफ्ती लचले इतना गढ़ा हो गए प्रशासन में सब देखा पूरा इतना अस्तन में हफ्ती लचले दादी कौन लोग मारा सास ससुर पत्नी ससुर दुल्हा देवर संजीत अमित दूगो ने फोन पर वहाँ जो जो बतलते से माय का और भावो को सब उसके पूरा परिवार मिल के मारा है। हाँ यहाँ 4 आदमी मार लगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं
तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। अपने विवादित बयान से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नीतीश कुमार के बड़बोले व जदयू के चहेते विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यादव ही यादव के दुश्मन बन बैठे हैं, जिन्हें भी मैं सतर्क करता हूं, वह अगर सतर्क नहीं होते हैं तो उनकी जल्द हत्या हो जाती है। मैं अनुभवी हूं, मुझे सारी जानकारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध को कोई रोक नहीं सकता, जो मर्डर होना है वो होके रहता है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल मंडल। लग कुछ ना रहा है, बात है कि पुलिस सक्रिय है। पुलिस से मैंने भी मिला, दरोगा से मिले, उसके बाद एसपी से वहीं पर मिले। एसपी को हम बोले, वो तो जात का यादव थे, हम मंडल थे, और दमदम यादव हमारे छोटे भाई मित्र समान हैं, उनके साले थे, तो दमदम को कम, हमको ज़्यादा वो नहीं मानते थे। इसलिए दुखद घटना है, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी अरेस्ट कीजिए, पकड़िए, और मन ही मन हम बोर भी उनको दिए और हम दुखित हैं, सब कुछ है। ढेको बाबू हमारे गार्जियन हैं, हम लोग मिल बैठ के बात किए, जो चला गया चला गया, अब उसके लिए हम लगे हुए हैं। जो हमारा समर्थक हो, जो हमारा चिंतन करता हो, उनको मारने वाला स्थिर नहीं रह सकता है, इसमें दो मत नहीं। विपक्ष कह रहा है जब से नया परिवर्तन हुआ है बिहार में, भाजपा सरकार आई, तब से लगातार घटनाएं हो रही है, नौगछिया और भागलपुर बिहार में जंगल राज हो गया है। नहीं नहीं, जंगल फंगल राज नहीं हुआ है। ये बात है कि मर्डर को कोई रोक ही नहीं सकता है। मिथुन तो वाजिब में अपना जमीन लिया था, हम बोलवो कि एक दिन गए थे वहाँ पर बैठने के लिए, हम बोले मिथुन ऐसे काहे बैठते हैं, 2-3 लड़का आप हैं, जमीन लिए हैं तो आप पर, आप जमीन का कारोबार करते हैं, जमीन जो ब्रोकर है वो बिल्कुल आप उनके नज़र में है, आप बैठिए वहाँ ऊँचे मकान पर जहाँ आपका घर है, अब बाकी वर्कर लोग काम करेगा, बेचारे में वहीं बैठिए, ये हम बोले। और सतर्क रहिए नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। हम तो पुराना खिलाड़ी हैं, अनुभवी आदमी हैं, 62 साल हमारा उम्र हो गया, दुनिया हम लंबी देखे हैं, और जिनको जिनको हम बोले हैं सतर्क रहने के लिए, अगर सतर्क नहीं रहा है उनकी हत्या हुई है। आप पहले ये सूचना दे दिए थे? आज से नहीं दे रहे थे, जब उनकी गाड़ी चोरी हुई उसके पहले भी ढेकोव मौजूद हैं, हम बोले इसमें घेरा दीजिए, आते बनते ये थी, ये बनेगा 4 लाइन, तो 4 लाइन बनेगा तो हटा दीजिएगा, लेकिन घेरा दीजिए साले को वहाँ से। हम बोले मुन्ना को बोलो कि ईटा गिरा दो, इसको ईटा नहीं जुटता है, तो गाड़ी जब चोरी हुआ तब छोटा सा घेरा दिया। हम बोले हम भी यहाँ के बैठते हैं, चला दुश्मन चढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक हथियार लेके चला देगा तो हम भी मर जाएंगे, आप तो मरवे कीजिएगा, ये हम सतर्क किए हैं। लेकिन इतना ना उस सब का दुलारा थे, कौन ऐसा आदमी नहीं जाते थे जो उनका पानी पी के नहीं आते, चाय नहीं पीते थे, नाश्ता नहीं करते थे, सब कोई करते थे। अपराधी घटना बढ़ गया है जब से फिर से भाजपा के साथ सटे हैं? नहीं नहीं नहीं, अपराधी घटना तो घटते रहेगा, इसको कोई रोक सकता है? इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये तो घटना घटते रहेगी। अभी हम लोग हैं साथ में, आपसे हुज्जत हुआ,
पीछे से कोई आदमी आके लाठी चला दिया, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, झीना झपटी इस पर कंट्रोल हुआ है, सामूहिक बलात्कार या बलात्कार करना इस पर कम हुआ है, लेकिन मर्डर को कोई नहीं रोक सकता। भाई भाई मर्डर होगा, भाई भाई मतलब बकवास होगा, कोई चाकू लेके कोई बैठी लेके काट मार देगा, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ पर घटना घट जाएगी, पुलिस क्या कर लेगी, उसका क्या चलेगा। सरकार सजग है, सरकार सोचती है घटनाएं कम हो, अपराध का ग्राफ नीचे गिरे, सरकार बढ़िया से चले। नीतीश कुमार के समय काल में क्राइम का ग्राफ घटा है, ऐसे बोलने वाला कोई बोल दे। और भाजपा की सरकार आने से, मिलने जुलने से, ऐसा नहीं कि मन बढ़ाए सो बात नहीं है, और बढ़िया से जम के सरकार चलेगी, ये मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ। सर, पप्पू यादव बोले उनका अपराधियों का एनकाउंटर करे सरकार पुलिस। देखिए पप्पू यादव आए, सही बात, पप्पू यादव तो बोलबे करते हैं, यादवों को यादवों ने मार रहा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। पप्पू खुद ने बहुत पहले बयान दिया है, पप्पू समझदार हैं, सोचने वाले हैं, विचारने वाले हैं, अच्छे नेता हैं, इसमें दो मत नहीं है। पप्पू हमारा साथी नहीं, छोटा भाई रह चुका है, अब दूसरा दल है, हम अलग दल में हैं, बातचीत होती है, अगर राह में कहीं पहुँच जाते हैं, जब पकड़ता है हमको छोड़वे नहीं करता है। सर, पुलिस क्या आश्वासन दिए, कब तक अपराधी पकड़ में आ जाएंगे? देखिए पुलिस से मिले नहीं, बोला जितना जल्दी होगा पकड़ लेंगे, अपराधी है नहीं इस इलाके में, अपराधी दूसरे लोकेशन में ले रहा है, अपराधी इतना तेज है सीम बदलते रहता है, ये सब बात है। अपराधी वो ले लिया पुलिस ने लोकेशन में, अगर किसी से बात करेगा वो तो पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव की तिथि का ऐलान होते ही भागलपुर में उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पेश करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रामसागर यादव भी उम्मीदवारों के लाइन में खड़े हो गए हैं। रामसागर यादव ने कहा कि हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यदि वह पार्टी हमें टिकट देती है तो हम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम जनता के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे रामसागर यादव ने कहा कि यहाँ की जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सड़कें खस्ता हाल है, भागलपुर से कहलगांव तक सड़क गड्ढे में तब्दील है, इसलिए हमने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और किसी भी हालत में चुनावी मैदान में हम अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। सभी जगह हम माँ बहने के पास गए, बुजुर्ग के पास गए, आज के नौजवान के पास गए, सभी लोग यही सुनाया कि यहाँ से लेकर के आपको कहलगांव से लेकर के और भागलपुर से लेकर कहलगांव तक जो कटंती लगा हुआ है गंगा जी का, जो स्थिति बना हुआ है, एक भी आदमी नहीं आए आज तक देखने के लिए कि कैसे यहाँ के लोग जनता रहेंगे। इसलिए हमने मन बना लिया कि मैं सभी लोग से सलाह लिया, कहा कि आपको लड़ना है तो लड़ना है, हम अगली बार लोकसभा एमपी से चुनाव लड़ूंगा, नॉमिनेशन के समय आएगा मैं नॉमिनेशन करूँगा, दम लड़ेंगे, इसमें हमारे जनता भाई लोग का सभी लोग का ही लोग का एति है कि आशीर्वाद है, और वही लोग के कहने पर मैं लड़ रहा हूँ, न तो मैं नहीं लड़ता। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा रहेगा रोड का समस्या है, गंगा कटाव की समस्या है, और वृद्धा पेंशन वाले लोग को जो नहीं मिलता है पैसा समय से, ब्लॉक से घूर घूर के आता है, मनमानी हो गया है ब्लॉक में, कहीं पर भी एक भी काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये वादा किया है जनता से कि आप लोग जब कहते हैं तो मैं खड़ा होकूंगा, आप लोग का मदद चाहिए। पार्टी टिकट देगी आपको? पार्टी टिकट देगी तो मैं पार्टी से लड़ूंगा, नहीं तो जनता का कृपा है मेरे पर, उन लोग को कहना है कि आपको लड़ना है तो लड़ना है, लास्ट में तो हमको कहीं से उपाय नहीं होगा तो कोई उपाय तो करना होगा। भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड के ओपन थिएटर में रविवार की शाम बिहारी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विपुल दुबे, चुलबुल, अल्पना अंगारी, श्रुतिराज, बबलू, आकांक्षा समेत अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक होली के गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं बिहारी होली मिलन समारोह के आयोजन में सभी होली के माहौल में खूब मस्ती करते दिखे। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खूब मस्ती किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें एक से बढ़कर एक फगुआ के गीतों पर लोग थिरकते दिखे और होली के अनेकों व्यंजनों का भी इस दौरान उन्होंने आनंद लिया।
रहता तो शहर में हूँ लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश में पला हूँ और हमेशा परंपराओं से जुड़ा रहा हूँ। जब मैं शहर आया तो यहाँ के लोगों में एक ऐसा किला देखा कि हम लाख मॉडर्न हो जाएंगे, हम मंदिर में चप्पल उतार कर ही जाके पूजा करेंगे, क्योंकि हम गांव से, हम परंपरा से जुड़े हुए हैं। और होली जो है एक परंपरा त्यौहार है, परंपरागत त्यौहार है, जिसमें कि होली में हम राम जी का सीता, राम जी सीता जी, राधा जी कृष्ण जी की छवि को दिखाकर उनके नामों को लेकर एक हंसी, मतलब सारे दुखों को भूलकर, सारे दुश्मनों को भूलकर अब गले लगाते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में है। पात्र एक ऐसा पर्व पात्र हिंदू धर्म में ही है, क्योंकि दुश्मनों को भी गले लगाने का एक त्यौहार है, वो है होली। और आज यहाँ पे बिहारी होली मनाया गया ओपन एयर थिएटर सोंडिस कंपाउंड में, और हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। और हम लोग को यहाँ पे आके ये महसूस हुआ कि बिहारी होली जो मनाया जाता है कि ये ऐसा होता है बिहारी होली, और ये सही बात है कि आज विपुल दुबे ने सिद्ध कर दिया कि बिहारी होली को किस तरह मनाया जाता है। और आज हम लोग ने बिहारी होली झूम कर नाच के गा के, और हम आज इंजॉय करके बिहारी होली को हम लोगों ने मिलकर मनाए। और इसी तरह आप लोग हम बिहार वासियों को और भागलपुर वासियों को इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद और सम्मान देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर में श्री रामेश्वर लाल नोपानी सरस्वती विद्या मंदिर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 मार्च से प्रारंभ हो चुका है। आज उसका दूसरा दिन है, जिसमें भागलपुर और बांका प्रक्षेत्र के 80 प्रतिभागी आचार्य व दीदी ने हिस्सा लिया। यह 3 दिवसीय सत्र 17 मार्च से प्रारंभ होकर 19 मार्च तक चलेगा। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, प्रवासी कार्यकर्ता विनोद कुमार, संस्कार केंद्र के प्रमुख परमेश्वर व गंगा चौधरी, नोपानी विद्या मंदिर के सचिव अजीत जैन व प्रधानाचार्य राजेश नंदन ने संयुक्त रूप से किया। संस्कार केंद्र प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ियों एवं अभावग्रस्त बच्चों को संस्कार के साथ साथ अक्षर ज्ञान भी देना है। बच्चों के माध्यम से समाज को जागृत करना है, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। विद्या भारती योजना द्वारा भारतीय शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वावधान द्वारा सरस्वती संस्कार केंद्र में पढ़ाने वाले आचार्यों का यह प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें मूल रूप से छोटे छोटे भैया बहनों को हिंदी, गणित, अंग्रेजी समान ज्ञान विषयों की किस प्रकार जानकारी हो, और समाज के में जो परिवर्तन होने वाले कार्य हैं उनको किस प्रकार हम कर सकते हैं, इसे से संबंधित इन लोगों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ पर भागलपुर में कुल केंद्र 80 चलते हैं, जिसमें 72 की उपस्थिति यहाँ हुई है। बांका जिला और भागलपुर जिला 80 की अपेक्षित संख्या थी, जिसमें 72 उपस्थित हैं। चूंकि अपने दक्षिण बिहार में 232 केंद्र चलते हैं, तो छोटे छोटे वर्गों में विभाग से ऐसा प्रशिक्षण कर रहे हैं ताकि सब लोगों के साथ वार्ता करने का अवसर मिले, सबको अपने कार्य में गति प्रदान हो, इस दृष्टि से विभाग स्तर पर यह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण 17 तारीख से प्रारंभ है और ये 3 दिवसीय है। 19 मार्च 2024 को समाप्ति है भोजन के बाद, और 17 तारीख को श्रीमान प्रदीप कुमार कुशवाहा शिशु शिक्षा प्रबंध समिति और भारतीय शिक्षा समिति के माननीय प्रदेश सचिव की द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। यह सेवा कार्य है और निःशुल्क विद्यालय के द्वारा जितने भी प्रतिभागी आए हैं उनके आवास, भोजन, सुख सुविधा की सारी व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन की ओर से की जा रही है।